आपका कौन सा है? यही है मेस वाला? सर क्वेश्चन यही है, इसका फोर्थ और फिफ्थ नहीं आ रहा सर समझ में। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। रमेश प्लेसेज अ मिरर ऑन लेवल ग्राउंड टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ ए पोल विथ ट्रैफिक लाइट फायर्ड ऑन इट। ही स्टैंड्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस सो दैट ही कैन सी द टॉप ऑफ द पोल रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। रमेश हाई लेवल इज 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। द डिस्टेंस ऑफ रमेश एंड द पोल फ्रॉम द मिरर आर 1.8 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। चलिए ठीक है। उसके बाद फोर्थ इसका कौन सा एंड इसका फोर्थ। नाउ रमेश मूव बिहाइंड सच दैट डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड रमेश इज 13 मीटर्स। ही प्लेस मिरर बिटवीन हिम एंड पोल टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन राइट पोजिशन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड रमेश। चलिए ठीक है। सबसे पहले तो इसका फिगर हम बना लेते हैं। हमें पोल का कुछ नेम दिया हुआ है, हम मान लेते हैं ये ए बी है, ये सी डी रमेश है, ये साथ में दोनों के बीच का डिस्टेंस 13 दिया हुआ है। हम क्या करते हैं सूरज जी, ये है मिरर, यहाँ पे रमेश और मिरर के बीच का डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं। तो मुझे बताइए ये बी एम कितना हो जाएगा? 13 माइनस एक्स। बिल्कुल, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। अब हम चलते हैं दोनों ट्रायंगल में। पोल की हाइट हमें दी हुई है सूरज जी। सर हमने पोल की हाइट निकाली सर 5 मीटर आया है। चलिए अब हम चलते हैं दोनों ट्रायंगल, तो आप जानते ही हैं सीधा क्या होगा, सिमिलर। यस सर, ट्रेंगल ए बी एम सिमिलर ट्रेंगल क्या, तो सी डी एम ये होगा। अब आप जानते हैं साइड का रेशियो इक्वल होगा क्योंकि सिमिलर है, तो ए बी अपॉन सी डी और इक्वल टू में बी एम अपॉन डी एम। चलिए ए बी का हाइट आपने अभी बताया, पोल की हाइट है, सी डी क्या है तो रमेश की हाइट है, और रमेश की हाइट कितनी दी हुई है? 1.5 इक्वल टू बीएम हमने निकाला है 13 माइनस एक्स और डीएम को एक्स माना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सूरज जी, एक्स इंटू 5 ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 1.5 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 19.5 और माइनस में एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.5x 1.5x को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 5x माइनस प्लस में 1.5x इक्वल टू 19.5, ये दोनों सम होगा तो 6.5 इक्वल टू 19.5 और यहां से एक्स इक्वल टू क्या, 19.5 अपॉन 6.5। डेसिमल हटाइए और 65 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 होगा, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 क्या है, x दरअसल डिस्टेंस है रमेश और मिरर के बीच का, है कि नहीं? यस सर जी, ये डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर और देखा जाए तो पोल और मिरर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पोल 10 मीटर। कोई डाउट? नो सर, सर क्योंकि टोटल 13 था तो x माइनस ये हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड रमेश, तो मिरर एंड रमेश 3 मीटर। बताइए इसमें कोई डाउट सूरज जी? नो सर, इसमें नहीं है सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन सर? इसका वो फिफ्थ वाला, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड पोल, 10
मिरर एंड पोल तो इसी में डिस्टेंस मैंने बता दिया, ये 10 मीटर। हाँ ठीक सर, थैंक यू सर। यूर वेलकम। और कुछ पूछना भी है सूरज जी? और नहीं सर। ओके सूरज जी, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।